सो हम फाइनली जो है हमारे घर अभी खाली खाली देख के मतलब अजीब सा लग रहा है। एंड जब कोई आ रहा है तो बैठने के लिए स्पेस भी नहीं हो रहा है, बिकॉज एक सिंगल सोफा वो बचा हुआ है टू सीटर वाला, और कोई ज्यादा लोग आ रहे हैं तो स्पेस सफिशियंट नहीं हो रहा है, इसलिए देखने के लिए जा रहे हैं। तो जो जो रास्ते में दिखते जाएगा वहां वहां जाते जाएंगे, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर जगह पे हमने जो सोच के जाएंगे अगर वहां मॉडल नहीं मिला उसके बाद भी वो जो मतलब जो अपनी छानबीन है फिर चालू रखनी पड़ेगी। जो रास्ते में जो जो मिलते जाएंगे उसमें एक एक बार नजर मार लेंगे। डाइनिंग टेबल तो डायरेक्टली खरीद सकते हैं, लेकिन सोफा का क्या है, अगर अपना जो चाहते वैसे मिल जाती है तब तो ठीक है, अदरवाइज ऑर्डर दे के भी बनाना पड़ सकता है। अभी तक हमने जो 2+3+2 का कॉम्बिनेशन रहता है ना हमेशा वो ही लिया है, उसमें तो ऑर्डर देने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खरीद सकते हैं। लास्ट मोमेंट में क्या पसंद आएगा कुछ पता नहीं है। अगर हॉल के हिसाब से आपको बनवाना है तब तो फिर नाप लेने के लिए कंधा आएगा, फिर वो इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार ऑर्डर किया था लेकिन ये दोनों मिलके सोफे फाड़ रहे थे, फिर हमने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया था डर के मारे। अभी थोड़े से बड़े हो गए फिर भी मतलब डेयरिंग स्टेप ही है, ले तो लेंगे अभी क्योंकि बेच तो दिया है पुराने वाला तो लेना तो है ही, तो दैट इज द थिंग। तो चलिए हम कहाँ कहाँ घुसते हैं क्या क्या देखते हैं आपको भी साथ में दिखाती हूँ। एंड ये मास्क तो ना एकदम मतलब पूरे अटायर का बैंड ही बजा देता है, दाढ़ी बन के या जो भी है आप जैसा भी रेडी हो, कुछ दिखता तो है नहीं फेस पे। तो हम लोग एंट्री ले चुके हैं पहली शॉप में। सो यहाँ पे जो भी सोफे हैं वो ऊपर वाले फ्लोर में हैं, यहाँ पे डिस्प्ले के लिए जो भी उनके पास आइटम्स हैं वो डिस्प्ले के लिए लगाया हुआ है। तो अभी हम जाके दिखाने देखने वाले हैं ऊपर वाले। सो दिस इज़ द ऊपर वाला एरिया। तो यहाँ पे सारे तरह के जो है सोफ़ा सेट्स है, तो जहाँ पे भी कोई भी शॉप में मैक्सिमम जो रेगुलर होते हैं 3+2 वाले वो रहते हैं, क्योंकि वो तो साइज़ या उसका कोई मतलब नहीं करता है क्योंकि डायरेक्टली खरीद सकते हैं। लेकिन जो एल शेप वाले होते हैं वो ऑर्डर पे ज़्यादा बनाते हैं, मॉडल के लिए एक एक रखा है, और ये वाला एल शेप वाला है काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमारे उसके हिसाब से तो क्या बोलते हैं प्लेस के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा हो जाता। रेडीमेड तो जो भी यहाँ पे अवेलेबल है वो कोई भी नहीं ले सकते अदर देन 3+2 वाला। एंड यहाँ पे इंटीरियर जो डेकोरेशन है वो तो अच्छा था, लेकिन मेरे को ये जो शो पीसेस इन्होंने हर टेबल पे रखे हुए थे वो ज़्यादा पसंद आ रहे थे। लग रहा था कि सोफ़ा ख़रीदने आए हैं कि शो पीस देखने आए हैं, क्योंकि हर एक टेबल पे बहुत अच्छे अच्छे देखो इससे पहले दिखाया वो फेसेस वाला एंड जो भी ये पीसेस है काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत ही रिच है। एंड ये है जैगुआर, एंड ये वाली टेबल भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेनली यहाँ पे मुझे ये लगा कि इन्होंने जो भी वुड वाड़ा है उसमें टेक कुछ भी नहीं था, MDF यूज़ किया था। एंड MDF की दिक्कत ये होती है कि उसमें पानी अगर थोड़ा भी टच हो जाए तो वो वुड फूल जाता है। अभी एक शॉप देख ली हमने, वहाँ पे जो सोफ़ा है वो हमारे मतलब जैसे इससे पहले यूज़ कर रहे थे 3+2 वैसे हैं, एल शेप वाले हैं, लेकिन वो हमारे हॉल में सूट नहीं होंगे। हमारे उसमें जो है लंबाई ज़्यादा चाहिए एंड जब टर्न होता है एल में वो बहुत कम चाहिए, सो वैसे वाले तो बनवाने ही पड़ेंगे। हम वी आर लुकिंग फॉर दैट। पहले ही दिन अभी जाते ही खरीदना, जब तक सारी चीज़ें नहीं देखेंगे और कुछ भी फाइनलाइज कर देंगे तो बाद में हमको रिग्रेट नहीं होना चाहिए भाई अरे ये ले लेते तो अच्छा रहता, वो ले लेते तो अच्छा रहता। तो आज हम पूरा मतलब अच्छी तरह देख लेंगे एंड उसके बाद जो है फाइनलाइज करेंगे सब कुछ जब देखने के बाद कि कौन सा लेना है हमको, बट लेना तो पक्का ही है वो तो श्योर है।
सो एंट्री लेते ही यहाँ पे आपको बॉडी शॉप के आइटम्स दिख रहे हैं सारे के सारे, ऊपर से नीचे तक। एंड हर एक एक टेबल पे जो है अलग अलग ब्रांड, लॉरियल के हो गए, उसके बाद कलर बा के हो गए, ये मेकअप रिवॉल्यूशन हो गया एंड रेवलॉन हो गए, ये सारे थे। तो अभी हम होम सेंटर पे आ चुके हैं और नीचे जो थे कॉस्मेटिक्स वाला आपने देखा होगा, बॉडी शॉप एंड ऑल। तो यहाँ पे पीछे वाला ना बच्चों के आइटम्स है, तो हमको यहाँ पे आने से यही डर लगता है कि हमारा काम रोक के ना इनके लिए घूमना पड़ता है। तो ये बोल रहे हैं कि भी बंद है। एंड दिस इज होम सेंटर। वो प्रैक्टिकली देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं पे भी कैसे भी सोफ़े देख लो, आपको तब पता लगता है कि आपको उसका विड्थ कितना आएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। अदरवाइज़ आपको पिंटरेस्ट में तो अनगिनत मॉडल्स मिल जाएंगे हर चीज़ के, डाइनिंग टेबल हो गया या कुछ भी हो गया। एंड यहाँ पे ये देखो कितने अच्छे अच्छे क्रॉकरी सेट्स है, बहुत ही मतलब ऑसम लग रहे थे ये सारे के सारे। एंड डाइनिंग टेबल तो डाइनिंग टेबल उसके ऊपर रखा हुआ, ऐसा लग रहा था वो भी साथ में ले जाओ खरीद के। Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. ये वाला जो सोफ़ा है वो हमारे लिए बेस्ट सूटेड था, लेकिन इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि रेट इसका और बाकी वाले जो चीज़ें थी उन सबका बराबर था। तो अभी वो जो मैंने बोला है पसंद आया, उसका सेटअप जो है हमारे हॉल में जिस तरह से प्लेस हमको करना है, मैंने बोला एक बार शिफ्ट करके वैसे रख के दिखाओ तब हमको जो है प्रॉपरली पता चलेगा। इसलिए जो है उसका जो एल शेप वाला पार्ट जो उस साइड था लेफ्ट साइड में, वो निकाल के उन्होंने जो है सीधा लगाया ताकि हमें पता लगे। एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट रेडी होके हमको पहुँचने तक कम से कम हो बोल रहे थे मिनिमम 45 days लगेगा। सो हम थोड़ा जो है सोचने पे मजबूर हो गए कि ऑर्डर यहाँ पे देना है या कहीं और देना है। दूर से मैंने देख के इसको सोचा कि ये वेइंग मशीन है, पास आके पता लगा कि कुछ और ही है, वो लैप्स के ऊपर लैपटॉप रखने के लिए एक छोटा सा कुशन के साथ टेबल है। एंड यहाँ पे क्रॉकरी सेट तो एकदम लाजवाब था, लालच आ रहा था कि ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, एक से बढ़कर एक आइटम्स अवेलेबल थे सीरियसली। एंड ये जो वाटर फाउंटेन है यहाँ पे, आदित्य बोला था मम्मी यहाँ पे वाटरफॉल्स है, उसको वाटर फाउंटेन का नाम नहीं पता था, तो तब मैंने उसको बताया कि भैया ये वाटर फॉल्स नहीं है वाटर फाउंटेन है। वो भी मैं मेहनत कर रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैं जो देख रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ, आपको जल्द ही मेरे घर में बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे, इंटीरियर में भी चेंज नज़र आएगा। एंड ये जो चेंजेस है अभी एग्जिस्टिंग घर को तो अच्छा बनाएंगे ही, एंड जो हमारे इन्वेस्टमेंट के प्लान्स है वहाँ पे भी ये सूट होंगे। तो मैं पूरा ओवरऑल प्लानिंग के साथ अभी सारी चीज़ें लेने वाली हूँ, तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए घंटी बजा के, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली हम बाहर आ चुके हैं अभी एंड घर को जाने वाले हैं। साढ़े नौ हो चुके हैं एंड होम सेंटर से अभी नीचे आए हैं। एक्चुअली वो सारी बत्तियां बुझा रहे थे, क्लोजिंग टाइम हो चुका है, इतने सारे सेट देखे, इतना कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा लेना है, बिकॉज कोई भी जो है सेट सस्ता तो कोई है ही नहीं, सारे 1.5 लाख एंड 2 लाख तक है। लेकिन मैं शेप का ही सोची थी कि हमारे हॉल में कैसा सूट होगा, तो एल शेप वाला एक सूट हो रहा है, लेकिन इसका कॉस्ट के हिसाब से वो इतना रिचनेस मुझे दिखा नहीं, तो हैव टू डिसाइड। तो आज तो ये देखिए एक दूसरी शॉप देखिए, अभी 2-3 हमारे नज़र में है, तो वो भी देख लेंगे, तब
विल फाइंड लाइफ। हम आ गए थे अदा से कार लेने के लिए गए हैं, तब हम नीचे उतरेंगे, ऊपर आ जाए कार पहले। नमन नमन रोड में निकल पोपू I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. लेकिन फिश का दाना खत्म हो गया, तो दाना लेने के लिए यहाँ पे रुका है। और अगर दाना खत्म नहीं भी हुआ होता तब भी इन्होंने तो रुकना ही था। देखो ना मैं देखो నీ ఫింగర్ పెట్టు ఇంకో ఫింగర్. सो आई एम लॉन्चिंग माई फर्स्ट ई बुक एंड जिसके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है एंड वो मेहनत जो है आप लोग के लिए लगी है. मैंने बहुत सोचा कि अगर मैं एक बुक लिख रही हूँ उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए जो आप लोग के यूज में हो पाए. एंड आप जो रेगुलर बेसिस पे मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरीज भेजते हैं उसके बारे में बहुत सोचा. ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जिनकी डिमांड मैं पूरी करने वाली हूँ. तो मुझे लगा कि हर किसी का YouTube वीडियो बनाना शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी बुक को कहीं शॉप पे जाके खरीदनी नहीं पड़ेगी. वो टाइम आपका खाली 15 या 20 मिनट लेगी, लेकिन आपके लाइफ लॉन्ग वो काम आएगी. तो इसका तो मैं आपको दावे के साथ ठोक के बोल सकती हूँ कि यू विल डेफिनेटली थैंक मी आफ्टर रीडिंग माई बुक. ये जो पहली ई बुक मैंने लॉन्च करी है वो किसके बारे में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. ये है हाउ टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम योर हस्बैंड एंड फैमिली मेंबर्स. तो हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, हर किसी का जो मेंटालिटी है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. लेकिन आप ये जब पढ़ेंगे, अगर कोई मिस्टेक करने वाले होंगे ना, तो आपको ये रोक देगा जरूर. बिकॉज आपने ये पढ़ा है ना, व्हेन यू रीड समथिंग वो आपके दिमाग में फीड हो जाता है. जो सुनते हैं उससे ज्यादा ना जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि हमने बचपन में ABCD पढ़ी थी कभी, है ना, लेकिन आज भी याद है. वैसे ही जब आप इसको पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में एक एक अक्षर ऐसा उतर जाएगा. एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपके जीवन की पूरी उलझन को सुलझा देगा, यकीन से कह सकती हूँ. तो आप इस बुक को जरूर लीजिए. कॉस्ट बहुत ही कम रखा है, 199 रुपीज, 199 रुपए. एंड आई फील बहुत सस्ता है जीवन का इतना बड़ा ज्ञान अगर आपको इसमें से मिल रहा है. तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें जाके आप पे करके ये बुक को खरीद सकते हैं. एंड ये जो बुक है आपको पढ़ने में बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि इंटरेस्टिंग लगेगा. और एक बार पढ़ने के बाद आपका बार बार मन करेगा कि आप दोबारा रिपीटेडली पढ़ो. एंड जब आप इसको पढ़ोगे ना, यू विल रियली फील वेरी काम, वेरी हैप्पी. बाइंग दिस बुक इज डेफिनेटली वर्थफुल, इट विल एड वैल्यू टू योर लाइफ, पक्का पक्का पक्का. एंड खास बात यह है कि ये मेरा फर्स्ट लॉन्च है ई बुक का. तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कि जो एफर्ट इसके पीछे लगा है उसको आप ही बढ़ावा दे सकते हो. सो बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से जो है ये मैं लॉन्च कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर माई हैप्पीनेस विथ यू. मैं इसको हर जगह पब्लिश करने वाली हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड मेनली ऑन माई वेबसाइट ऑल्सो. तो मेरी वेबसाइट जो है swatispassion.com, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. तो अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. एंड अपना प्यार जो है बरसाने में इस बार कोई कमी मत कीजिएगा, बिकॉज
हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट. तो इस डिफरेंट को आप कितना प्यार दे सकते हैं उतना दीजिएगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड उसके बाद बुक पढ़ने के बाद कैसा लगा है कॉमेंट सेक्शन में जरूर आके बताइएगा. आई विल बी वेरी थैंकफुल. सो आई एम सो हैप्पी टू डू दिस. डू सपोर्ट मी. चलिए लिंक चेकआउट करते हुए जाइएगा. चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.